मतलब अपील की गई है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस के अंदर सरलीकरण किया है और ईडब्ल्यूएस की पात्रता पाने के लिए जो सरलीकरण और जो शर्तें दी गई है। श्री क्षत्रिय पुरुषार्थ फाउंडेशन जयपुर द्वारा प्रदेश व्यापी एक ज्ञापन के द्वारा माननीय केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ईडब्ल्यूएस के अंदर हो विसंगतियों के बारे में सूचित करने का एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार से ये मांग की गई है कि जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस अभी 10% है उसको 14% किया जाए और नगरीय चुनाव एवं पंचायती राज चुनावों में ईडब्ल्यूएस के जो भी प्रार्थी हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए। उसी दौरान केंद्र सरकार से इस मामले की मतलब अपील की गई है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस के अंदर सरलीकरण किया है और ईडब्ल्यूएस की पात्रता पाने के लिए जो सरलीकरण और जो शर्तें दी गई है केंद्र सरकार की, थोड़ी सी विसंगतियों के कारण केंद्र सरकार की शर्तें थोड़ी सी मान्य नहीं है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार द्वारा आज तक मात्र 95,000 के राजस्थान के अंदर मात्र करीब 95,000 के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बने, वहीं राज्य सरकार के 2,27,000 से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बन चुके हैं। इन्हीं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की विसंगतियों को लेकर श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन ने संपूर्ण राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर से लेकर पंचायत राज से लेकर SDM कार्यालय तक और नीचे तक सभी को अवगत कराकर एक मुहिम छेड़ी है और इसे सर्व समाज की तरफ से ईडब्ल्यूएस में आने वाले सभी समाज के पात्र को इसका लाभ मिले, ऐसी मंशा के साथ श्री छात्र प्रसाद फाउंडेशन ने प्रदेशव्यापी ज्ञापन का कार्यक्रम करवाया। उसी के निमित्त आज अजमेर संभाग मुख्यालय पे इन समस्त लोगों ने